दोस्तों, आप भी अपने या किसी कस्टमर का आधार कार्ड सिर्फ एक क्लिक के साथ तैयार कर सकते हैं। एक एक्शन क्रिएट किया मैंने आप लोगों के लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से फ्री में डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। और उसे यूज कैसे करना है, चलिए एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको फोटोशॉप में एक्शन को ओपन करना है। यहाँ विंडो में आके और यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करना है। हमारा एक्शन इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर आपका एक्शन बटन मोड में हो इस तरह से, तो आप यहाँ एरो पे क्लिक करके और बटन मोड पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। और इसके बाद आपको जहाँ एक्शन को डाउनलोड करोगे, वहाँ से एक्शन को पकड़ के इस तरह से सिलेक्ट करके और माउस से पकड़ना है। माउस से पकड़ के फोटोशॉप में ला के छोड़ देना है। तो ये एक्शन इस तरह से सबसे नीचे आ जाएगा। और इस प्ले के निशान पे एक बार क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे। यहाँ से आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। और जहाँ भी आपके या किसी और कस्टमर की आधार कार्ड की फाइल है, उसे ओपन करेंगे। जैसे मेरे पास ये काफ़ी सारे फाइल है आधार कार्ड की। हम जैसे इस तरह से फोटोशॉप में ओपन करते हैं पीडीएफ फाइल को, तो ये फोटोशॉप में ओपन नहीं होती। तो इसको यहाँ से ओके कर देंगे। और यहाँ फोटोशॉप में सबसे नीचे इमेज रेडी का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो अडोब इमेज रेडी 7.0 ओपन हो जाएगी। इमेज रेडी ओपन होने के बाद हमें अपने आधार कार्ड की पीडीएफ फाइल को माउस से पकड़ के और ड्रैग करना है इस प्रकार से। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा आधार कार्ड में, जो नाम है उसके शुरू के 4 अंक बड़े अक्षर में और उसकी डेट ऑफ ईयर लास्ट के 4 वर्ड यहाँ पे डालने होंगे और ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ पे है। अगर यहाँ पे आपने 1-2 नंबर भी गलत डाल दिए तो आधार कार्ड का एक्शन काम नहीं करेगा। यहाँ पे जो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ वही नंबर डालने हैं। 2480 डालना है। यहाँ पे ऊपर विड में 2480 डालना है और बाहर एक बार क्लिक कर देंगे। नीचे ऑटोमेटिक 3509 आ जाएगा। ऊपर का हमें विड में डालना सिर्फ 2480 और ओके कर देना है। थोड़ी देर में हमारी इमेज रेडी में पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे हमारी पीडीएफ फाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक नीचे यहाँ पे ऑप्शन है टूल बॉक्स में, जंप टू फोटोशॉप, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, इस तरह से पीडीएफ फाइल हमारी फोटोशॉप में आ जाएगी। और इस एक्शन से हम 2 तरीकों से काम कर सकते हैं। सबसे पहला तो है यहाँ पे आधार कार्ड एसके को सेलेक्ट करके, और ये सभी बॉक्स इस तरह से खाली होने चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे ये सभी खाली है। और यहाँ पे प्ले पे क्लिक करेंगे, इस तरह से ऑटोमेटिक हमारा जो आधार कार्ड है वो 4x6 की सीट पे, देखिए 4x6 की सीट पे आ चुका है और A4 की सीट पे आ चुका है। एक तो ये तरीका हमारा आधार कार्ड तैयार करने का। और दूसरा तरीका और बता देता हूँ आपको। जैसे ये आधार कार्ड है और नीचे इसमें कुछ ऑप्शन है कर्व्स के, आप देखेंगे आप इनको चेक कर लेना है। एक कलर बैलेंस का चेक कर लेंगे इनको इस तरह से। और फिर हमें प्ले के निशान पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरह से कर्ज का ऑप्शन ओपन होगा। मान लीजिए इसमें जो एड्रेस नाम वगैरह होता है अगर वो ज़्यादा डार्क है तो उसे हम इस प्रकार से लाइट कर सकते हैं, और ज़्यादा लाइट है तो उसे इस प्रकार से डार्क कर सकते हैं। फ़ोटो हमारी डार्क नहीं होगी, फ़ोटो सेम ऐसी ही रहेगी। और फिर ओके करेंगे। और कई बार क्या होता है, नाम नाम डार्क होता है तो हम नाम को लाइट डार्क इस तरह से कर सकते हैं और ओके करेंगे। इसके बाद कई बार क्या होता है, हमारी फ़ोटो डार्क होती है या लाइट होती है, बाकी नाम एड्रेस बिल्कुल ठीक होते हैं, तो हम फोटो को भी यहाँ से लाइट डार्क इस प्रकार से कर सकते हैं और फिर ओके पे क्लिक करना है। फिर कलर बैलेंस का ऑप्शन आएगा, इसे हम इस प्रकार से कलर बैलेंस इसमें बना सकते हैं इससे, और ओके कर देना है। तो ये भी हमारा इस प्रकार से 4x6 की सीट पे और A4 की सीट पे आधार कार्ड बनके तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों सीट पे ये तैयार हो चुका है।
और हम बहुत ही ईजिली प्रिंट आउट इनका निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये एक्शन आपके बहुत काम आएगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।